नाम ताहा शाह। मैं पिछले 4 साल से ज़्यादा मुझे लगता हो गया कि मैं राजू सर के साथ क्लास ले रहा हूँ। इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी बट दिल के हिसाब से बड़ा छोटा जर्नी। जब मैं पहली बार राजू सर से मिला था तो इधर ओशिवारा में पहली बार उनके एक स्टूडियो में, तो मैंने उनसे पूछा था कि मुझे कुछ करके दिखाओ। सिंपल, देखो क्या है ये दिखाया मुझे। मैंने बोला कि भाई मैं तो ये सब नहीं कर सकता, मुझे ये सब सीखना है। तो राजू सर ने बोला कि चलो कल से क्लासेस शुरू करते हैं। उस दिन से फिर हमने वापस मुड़ के देखा ही। मुझे लगता है कि इन 4 सालों में मैंने राजू सर के साथ बहुत सीखा। फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, जो फॉर्म होता है, जो बॉडी का मोशन जो होता है, राजू सर ने मुझे सिखाया है। जो सबसे बेसिक होता है, क्योंकि राजू सर मेरे सबसे पहले टीचर जो मुझे मार्शल आर्ट या बॉडी ऑफ मोशन कैन बी इंक्लूडेड की एक्रोबैटिक बेस में आ जाए या वेपन ट्रेनिंग भी राजू सर ने मुझे सिखाया है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका है मुझे, और राजू सर के साथ जब भी मैं ट्रेन करता हूँ तो इससे ज़्यादा ही पसीना आता है। हमने गार्डन में पार प्रैक्टिस किया, घर में प्रैक्टिस किया, स्टूडियो में प्रैक्टिस किया, और राजू सर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। तो वो कभी आपको ये नहीं दिखाते कि वो आपसे ऊपर है या आप उनके नीचे हैं। वो एक ऐसे बंदे हैं जो आपको दिल से सिखाते हैं, ये सिखाना चाहते हैं कि वो जितना उनके अंदर है, जितना उन्होंने बचपन से सीखा है, जो अभी भी सीखते रहते हैं, वो इंस्पायर होते रहते हैं, और उनकी इंस्पिरेशन जो है वो मेरी इंस्पिरेशन बन जाती है। तो वो तभी आता है, जैसे अगर हम डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर को भी सीखना होता है। तो सर ऐसा नहीं है कि उन्होंने बचपन में सीख लिया या कुछ देख लिया ये हो गया तो और आगे उनको कुछ करना नहीं है या कुछ सीखना नहीं है, क्योंकि सीखने का जो जज्बा है वो हमेशा एंड तक यानी मरने तक होना चाहिए। और ऐसा एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे सीखना है और राजू सर मुझे सिखाना चाहते हैं। तो मैं राजू सर का बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। बना हूँ नहीं बना हूँ वो तो मुझे पता नहीं है, पर कोशिश जारी है। अगर मैं कुछ बन जाऊँ तो उनका नाम ज़रूर रोशन करूँगा। और मार्शल आर्ट्स में, एक्शन इंडस्ट्री में ये तो नहीं बोल सकता कि मैं नंबर 1 हूँगा, पर मैं ज़रूर इस कैटेगरी में कुछ कर दिखाऊँगा, कुछ अलग करके दिखाऊँगा। But Raju sir is the best and I wish him all the luck and all the success and I hope that his studio is not only in Bombay but all over India and all over the world. Bas jo unka jazba hai bas continue hona chahiye aur jo jisko bhi wo sikhaye wo pure dil se sikhaye aur jo seekh rahe hain wo pure dil se seekhe। Hi, my name is Divya. Okay, so I met Raju sir when I was 15 years old. It's almost been 3 years that I've been practicing kickboxing, and the first time when I met him, I was not at all flexible. I didn't know much about exercises. I didn't know much about, you know, kickboxing and the movements. And it's been almost 3 years. And today there is a huge difference in my body. I mean, what I can do today is just because of Raju sir. Raju sir is a guru for me. I mean,
I was not at all flexible, as I said, and I am a performer. In this stream, it's very important for me to have a lot of flexibility, a lot of strength. And, you know, so Raju sir has helped me grow as a person. And, you know, it has, kickboxing basically has helped my body to grow. So today I can do things which, you know, which people see and they're like, are, kahan se sikha? And I'm like, you know, all thanks to Raju sir. I can give you his number and, you know, you can take it and I can give it to you as well. So, I mean, kickboxing is something which has brought a huge difference in my life. Today, the things which I can do, you know, I never thought that I would be able to do it. And it's all because of Raju sir. And one, the best thing about Raju sir is the kind of effort that he puts in, you know, behind his students. I mean, you will never feel that, you know, he is lacking somewhere. He gives his 110% and that I guarantee. So if you want to practice kickboxing, I suggest none other than Raju sir. Kickboxing has not only helped me grow my flexibility, but I am a much more confident person now. And you know, when I go and approach someone or when I talk to someone, I have the confidence and that, and I can only thank Mr. Raju Das for that and none other. Thank you so much, Raju sir. हाय, मेरा नाम अविनाश द्विवेदी है और मुझे मार्शल आर्ट्स का वैसे बहुत शौक़ था बहुत शुरू से, बट मुझे काफ़ी दिनों से मैं एक अच्छा ट्रेनर ढूंढ रहा था मार्शल आर्ट्स के लिए, और काफ़ी दिनों की खोजबीन के बाद मेरी मुलाकात राजू सर से हुई, मिस्टर राजू दास, और मैंने इनके साथ कुछ क्लासेस करी। कुछ क्लासेस करने के बाद मुझे समझ में आया कि जो डिफरेंस होता है एक मार्शल आर्टिस्ट में और एक टीचर में, वो बहुत ज़मीन आसमान का होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे मार्शल आर्टिस्ट भी होते हैं और अच्छे टीचर भी होते हैं। राजू सर उसमें से एक हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी टेक्निक्स पकड़ते हैं वो जो सीख रहा होता है उसको भी नहीं पता होता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ ऑब्ज़र्व करके, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है, उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के जब ट्रेन करते हैं आपको, तो आपको पता चलता है कि जो किक्स या जो भी जंप आप एक महीने या 15 दिन में करने वाले हो वो आप 3-4 दिन में कर पाते हो, तो उससे आपकी स्पीड बहुत बढ़ती है। कंसंट्रेशन पे राजू सर बहुत फोकस करते हैं, और मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आपको सच में सिर्फ सीखने के लिए नहीं, शौक़ के लिए नहीं, अगर सच में आपके अंदर थोड़ा सा भी पैशन है मार्शल आर्ट को लेके और आप अच्छा करना चाहते हो, अच्छे लेवल पर करना चाहते हो, तो आई थिंक राजू सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर मार्शल आर्ट, चाहे वो मोई थाई हो, चाहे वो पार्कोर हो, चाहे मुझे तो इतने आर्ट का नाम भी नहीं पता, बट ही इज़ ट्रेंड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। राजू सर ने मुझे जब पहली क्लास में एक चीज़ बताई थी कि आप जो भी स्ट्रेचिंग करते हो, जो भी आप किक करते हो, उसमें एक जो कनेक्शन होता है बॉडी और माइंड का, जो मुझे लगता है कि किसी भी आर्ट फॉर्म में, दुनिया की किसी भी आर्ट फॉर्म में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो राजू सर ने सिखाई मुझे चीज़ कि माइंड से आप, ज़रूरी नहीं है कि आप किक कर रहे हो तो फिज़िकली करके आप उसको कर जाओगे, जब तक आपका कनेक्शन माइंड का बॉडी से नहीं होगा और उसके बीच में क्या कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, इस चीज़ पे उन्होंने इतना ध्यान दिया कि उसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ होती है, जो प्रोग्रेस होती है, वो इतनी फास्ट हो जाती है कि आपको रियलाइज़ नहीं होता और आप एकदम मतलब शॉक्ड रह जाओगे कि मैं इतनी जल्दी कैसे सीख रहा हूँ। मैं जब आया राजू सर के पास तो मुझे शोल्डर इंजरी थी, मुझे बैक इंजरी थी, मेरे माइंड में ये था कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं, वो किक कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन विद इन नो टाइम आई वॉज एबल टू डू बैक रोल, आई वॉज एबल टू डू फ्लिप्स, आई वॉज एबल टू डू जम्प्स, राउंड किक्स, जम्प किक्स, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े दिन के बाद रियलाइज़ हुआ कि इस ये जो मैं कर पा रहा हूँ इसके पीछे 90% हाथ जो है वो टीचर का है। तो आई वुड से कि अगर आपको सच में अच्छे लेवल पे करना है और आप चाहे वो फिल्म्स के लिए सीख रहे हो, चाहे सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हो, तो यू शुड कॉन्टैक्ट राजू सर।